तो जैसा आप सबको पता है, ठंड का मौसम चल रहा है और काफ़ी ठंडक है, लेकिन माहौल काफ़ी गर्म। माहौल काफ़ी गर्म मतलब देश का माहौल। आप सबको पता है, 2 जनवरी नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे आइलैंड में, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ फोटो शेयर किया और कुछ मिनिस्टर मालदीव में उसको क्रिटिसाइज कर दिया। उसके बाद से ही कुछ ऐसा सुनामी आ गया हमारे देश में, कुछ लोग यहाँ के और कुछ लोग वहाँ के बॉयकॉट मालदीव का नारा लगाने लगे। वहाँ के क्यों करेंगे, वहाँ के तो क्रिटिसाइज कर रहे थे। खैर, यहाँ के लोग मालदीव का नारा तो लगा रहे हैं बॉयकॉट का, और कहाँ को प्रमोट कर रहे हैं, लक्षद्वीप को। क्या हमारा लक्षद्वीप मालदीव का सामना कर पाएगा? चलिए आते हैं, कुछ रोचक जानकारी लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। सलाम प्रणाम, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं आपका विकास, आप देख रहे हैं जीजी पाठशाला। जीजी पाठशाला, आप सबको पता है ये एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है हमारे सारे स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप नए इस चैनल में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके स्टडी मटेरियल और हर एक चीज़ में आपके ये फ़ायदेमंद रहेगा, और आपके स्टडी को ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। ठीक, तो ये बात करते हैं अब लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप ये नाम आया कहाँ से? लक्षद्वीप ये एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड, जहाँ पे लक्ष का मतलब होता है लाख और द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। तो लक्षद्वीप का मतलब क्या हो गया, लाखों आइलैंड। हालांकि वहाँ बस 36 ही आइलैंड आपको मिलेंगे। अगर ये नामकरण हुआ कब था, ये हुआ था 1973 को। ठीक है, अगर इसकी पहले की बात करें तो ये हमारा यूनियन टेरिटरी कब बना था, 1956 को, और ये हमें मिला कब था, हमारा पूरा प्रभुत्व या फिर पूरा सर्वज्वेंटी इस पे कब आया था, वो आया था 1947 को, जब हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भी चाहा था कि इस पे अपना कैप्चर कर लें और उस पे अपना डोमिनेंस पैदा करें, लेकिन जबकि वो पहुंच पाए तो उसके पहले क्या हो गया, हमारे इंडियन आर्मी ने वहां पर जाके अपना फ्लैग लगा दिया था, जिसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो उस आइलैंड पे अपना इन्वेंशन कर सके। खैर, बात करते हैं लक्षद्वीप के कुछ हिस्ट्री के बारे में। इसकी हिस्ट्री के बारे में तो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लेजेंड्स का मानना ये है कि यहाँ पर इस्लाम डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, और होता भी क्यों ना। अगर बात करें 7th सेंचुरी की, तो अरब में एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था उमैदुल्लाह। ठीक है, वो उमैदुल्लाह क्या करते थे, उमैदुल्लाह को एक दिन शाम को सोते हुए एक सपना आया, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद का था। उसमें उन्होंने कहा था उनको जेदाह जाने के लिए, तो जेदाह जाने की कोशिश, जब उनको सुबह उठे तो जेदाह जाने की कोशिश की है। जेदाह जाते ही वक्त, जो कि एक समुद्री रास्ता था, जाते वक्त उनकी जहाज़ एक तूफान में फंस गया। फंसने के बाद होना क्या था, वो तैरते हुए और बेहोशी की हालत में एक आइलैंड में पहुंच गए, जिसका नाम था आमिनी। उस आइलैंड में जा पहुंचे, उस आइलैंड में वो बेहोशी की हालत में थे। जब वो उठे तो उन्हें लगा कि वो आ गए, उन्हें एक और सपना उसी रात आ गया था कि अपना प्रमोशन, जो इस्लाम का प्रमोशन है, वहीं से शुरुआत करना है। तो जब वो उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें उनकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जो हैं वैसे ही हैं, हमें खुशी में कुछ भी किसी दूसरे रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने काफ़ी हद तक ये प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक लड़की, उसी जगह की एक लड़की उन्हें काफ़ी पसंद आई थी, और आगे चल के उनका विवाह हो गया। तो शादी करने के बाद जो उमैदुल्ला जी थे, उन्होंने उनका नाम बदल के उसके हमीदत बीबी कर रखा, हमीमत बीबी। अब दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए इस्लाम का प्रचार आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी उनकी दाल एक ना गली। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि वहाँ के जो हेडमैन थे, जो आमिनी के हेडमैन थे, उन्होंने बोला था कि इनको मार डालो। कुछ लोग गए उन्हें मारने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने भगवान को बुलाया, प्रॉफिट हजरत को बुलाया, जिसके बाद क्या हुआ, लोग अंधे हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, और इसी का फलस्वरूप क्या हुआ, वो लोग वहाँ से भाग निकले। जब वो वहाँ से भाग निकले तो बाकी लोग उनके भागने के बाद फिर उनकी दृष्टि वापस आ गई, उनकी आंखें वापस आ गई, और वो उन्हें नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो एक दूसरा आइलैंड पकड़ते हैं जिनका नाम था एंड्रॉट, और वो भी एक लक्षद्वीप का ही हिस्सा था एंड्रॉट। वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद काफ़ी कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली, लोग धीरे धीरे इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बहुत एक्सेप्ट करने लगे, और एंड्रॉट के बाद फिर वो काफ़ी हद तक दूसरे आइलैंड में भी गए और इस्लाम का प्रमोशन किया।
वापस वो एंड्रॉइड आके अपनी आंखें आखिरी सांसें वहीं पे ली और वो स्वर्ग को सिद्धार्थ गए। हालांकि गेमर ने बाम की कब्र वहीं बनाई गई है और इसको काफी सेक्रेट प्लेस माना जाता है। सेक्रेट प्लेस मतलब जहाँ लोग जाके नमाज वगैरह अदा करते हैं जो भी, और बाकी जगह श्रीलंका बर्मा और बाकी लोग जगह में भी वो उनका कब्र उनका ग्रेव काफी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेडर्स की। इन्वेडर्स जैसे हम सबको पता है कि सबसे पहला इन्वेडर जो बाहर से भारत में आया था वो वास्को डा गामा था, ठीक है। उसी को कहा जाता है कि उसने डिस्कवर किया था सी रूट, भारत को नहीं, सी रूट डिस्कवर किया था भारत को के लिए, ठीक है, ब्रिटिश से। तो वास्को डा गामा था, वो आया था 1498 में आया था वो, ठीक है। तो क्योंकि वो उस रास्ते चला था तो उसे भी लक्षद्वीप बीच में दिखाई दिया था, तो उसने भी सोचा था क्यों ना लक्षद्वीप में भी अपना कुछ दाल गलाया जाए। हालांकि वहाँ के लोगों ने उसे उन्हें क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ही करेजियस थे इसलिए उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, वो उनकी दाल वहाँ नहीं गल पाई। खैर पोर्टुगीज का तो इन्वेंशन वहाँ नहीं हो पाया। बाद में कुछ मुस्लिम्स ने 1784 में जाकर टीपू सुल्तान, उस समय टीपू सुल्तान का राज चलता था बेंगलोर में, तो लोग वहां जाके उसे प्रपोज किए कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर लाइए, हम आपके अधीन होना चाहते हैं। तो टीपू सुल्तान का भी उन सबसे अच्छा रिलेशन था, तो टीपू सुल्तान के हाथ में सत्ता आया और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन टीपू सुल्तान ने लिया। अब होता यह है कि 1799 में ब्रिटिश से उनकी एक बैटल हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में हुआ क्या, ये इनको हार का सामना करना पड़ा किसी हमारे वॉरियर टीपू सुल्तान को। अब हार के सामने के बाद क्या हुआ कि वो जितने भी आइलैंड थे खासकर ये आमनी वाले वो आ गए ब्रिटिश के अधीन हो गए। वहां पर कुछ राजा, एक राजा रहता था हिंदू राजा था वो, उसका नाम चिराकल था, बाकी सब आइलैंड उसके हाथ में थे। तो ये नो इन ब्रिटिश का कुछ अपने अलग अलग पॉलिसी होते थे जिसके चलते वो क्या करते थे बाकी जगहों पे भी अपना वर्चस्व फैला देते थे। उन्होंने क्या किया, वो आगे बढ़े, आगे जाकर उनसे चिराकल से हाथ मिलाया, बोले कि आई आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपके लिए सारा काम करेंगे, आपको बस हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। कुछ हद तक वो टैक्स दिए बट बहुत सालों बाद वो टैक्स नहीं दे पाए, उसका सामना नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्हें बाकी आइलैंड से भी हाथ धोना पड़ गया। तो ब्रिटिश का एक ये एक आप कह सकते हैं ये एक ट्रैप था जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने वो पूरे आइलैंड पे अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद ये 1854 का टाइम था जब उन्होंने ऐसा किया था। खैर बात करते हैं आगे की। तो जब 18 आता है दौर 1947 का, जब ब्रिटिश को वहाँ से जाना पड़ा, भारत से जाना पड़ा, तो हमारे इंडियन ने क्या किया उस पर अपना फ्लैग जाके उसी समय होस्ट कर दिया था। फ्लैग लहराने के बाद पाकिस्तान को भी चाहिए था एक आइलैंड, वो आते रह गए, लेकिन क्योंकि अरेबियन सी और लक्षद्वीप के थ्रू उन्होंने को आना पड़ता था और वहाँ से लक्षद्वीप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके आने से पहले हम वहाँ खुद पहुँच गए और उन्होंने देखा कि हमारा झंडा वहाँ लग चुका है, तो उन्हें यू टर्न लेना पड़ा वहाँ से। खैर आगे की जानकारी और थोड़ा रोचक है, ये हम सेकेंड पार्ट के रखते हैं वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आई होप यू हैव एंजॉयड। अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉर इट। ओके दैट्स अप टू ऑल ऑफ यू, कीप इट अप लर्नर्स।